सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि किसान संगठन इस गुडविल जेस्चर का पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे और कोई रास्ता निकलेगा। सर, 26 तारीख को जो टाइम उसको लेकर के किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम राज्य का है, किसान संगठन भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दोनों को जिम्मेदारी के साथ महसूस करना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना ना हो सके। सर, बीजेपी के नेता है, उमा भारती को बंदी लागू है, उसी तरह से बीजेपी को अपने रूलिंग राज्य में लागू करना चाहिए। उमा भारती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं। सर, पहले टीएमसी से जो नेता सुरेंद्र बदना अधिकारी जो बीजेपी में आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 70% वोट आ चुके हैं, ममता जी के साथ 30% वोट है, तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। चुनाव के दौरान सभी दल और नेता अपने अपने पक्ष में तर्क जुटाने का काम करते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा कि जनता का रुख किधर है। सर, उनको लेकर के अधिकारी जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि हम पर मानहानि का केस किया था, उनका अगर जवाब नहीं देते तो सुरेंद्र अधिकारी को केस पर केस करेंगे। ये सब चुनावी बयानबाजी है, इसको कोई बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। सर, सीआरपीएफ ने तय बटालियन जो है उसमें अगली बार से महिला को भी स्थान दिया जाएगा, ये बहुत स्वागत योग कदम है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यूं भी सैन्य जो संगठन है उसमें कम है, और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों का एक बड़ा कारण ये भी है। सर, वेब सीरीज को लेकर के आज विवाद, मिर्जापुर तांडव के बाद अब मिर्जापुर की बारी आ चुकी है, इसको लेकर डायरेक्टर के प्रोड्यूसर के क्षमा याचना के बाद उनके द्वारा उन दृश्यों को निकाल देने के बाद ये मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए।